हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रजापति फैमिली। सो गाइस, आज के वीडियो में आपका वेलकम। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे आईफोन 13। यस गाइस, मैंने आईफोन 13 ले लिया है। और गाइस, बहुत ज्यादा मतलब कैसे मुझे मिला है, मतलब बहुत टाइम लगा है, मैंने इतना वेट किया कि क्या बताऊँ। तो ये सब मैं आपको इस ब्लॉग में, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। और गाइस, जब मैं लेने जा रही थी ना, तो मैंने तभी सोचा था कि वीडियो क्रिएट करके ले जाऊंगी, मतलब जाऊंगी तो जरूर करूंगी, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उस दिन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए फिर मैं नहीं कर पाई। तो अभी कल हम लोग घर पे ले आए थे और मैंने इंस्टा पे स्टोरीज और वीडियोस भी क्रिएट कर चुकी हूँ पहले ही, बट मुझे यहाँ भी आप सबके साथ शेयर करना था अपना कैसे कैसे मुझे मिला, इसलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। और ये वीडियो मैं वेनसडे को क्रिएट कर रही हूँ और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और मेरा मतलब मैंने ये सेल्फ गिफ्टेड है, मेरे लिए फर्स्ट जो मैंने खरीदा है, तो मेरे को इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, तो वो तो आपको पता चल रहा होगा मेरे फेस देख के। सो चलो अभी मैं आपको सब कुछ बताती हूँ डिटेल में। तो ये आईफोन 13 ब्लू 256 GB, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि क्या बताऊँ। मैं बहुत टाइम पहले से सोच रही थी कि मुझे लेना है, बट हमारे यहाँ, मैं आपको बता दूँ गाइस, मैं ललितपुर यूपी से हूँ, तो यहाँ पर एप्पल स्टोर अवेलेबल नहीं है अभी तक। और मैंने मतलब हाँ, बट जो और भी जो स्टोर्स हैं, तो मैंने वहाँ पर बोला था, तो वो बोले कि मैं बाहर से मंगा दूंगा, बताऊँ आपको कौन सा कलर और कौन सा चाहिए, तो मैं आप मुझे बताइए, तो मैं आपको बाहर से मंगा के दे दूंगा। तो ये वही था कि मतलब आपको बाहर से मंगाना है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ना बाहर से मंगा लूँ, आपकी ज़रूरत क्या है मुझे। तो मैंने फिर उनसे नहीं, मैंने मतलब पूरा मार्केट में हर जितना भी स्टोर थे, जितने भी रियलमी ओप्पो, क्योंकि यहाँ पर तो वो लोग खुद अवेलेबल करा देते हैं, मतलब वो बाहर से मंगाते हैं और दिला देते हैं। तो ये था सीन, ये था कि मतलब उनके पास खुद नहीं था अवेलेबल, तो अब भैया जाते हैं मेरे साथ, तो वो मेरे को हर दुकान पे, मतलब जब भी जाते हैं हम लोग तो साथ में, तो हम लोगों ने बहुत सारे शॉप स्टोर्स पे पूछा, बट नहीं था, वो बोलते थे बाहर से मंगा देंगे। तो मैंने सोचा मेरे को नहीं मंगवाना है, मैं खुद मंगाऊंगी। सो थैंक यू सो मच पिल्ले, तूने मेरे को ये दिला दिया है। गाइस थैंक यू सो मच, इसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है मतलब ये दिलाने में। और लेकिन ये बहुत बेकार भी है, क्योंकि अनबॉक्सिंग खुद कर चुका था वहाँ पर स्टोर पे, और मेरे को सिर्फ वीडियो कॉल पे देखने को मिला था, तो ये गलत भी है। और ये दिलाने के लिए एक्चुअली उसने बरेली से मुझे यहाँ पर कोरियर किया है। सो थैंक यू सो मच। और गाइस, अगर आपको जानना है ये कि ये पिल्ले कौन है, तो आप सबको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। राइट, सो उसने मेरे को ये दिलाया है, वो बरेली से बिलोंग करता है। सो उसने मैंने उससे बात किया, तो उसने बोला कि हाँ यहाँ तो मिल जाएगा, घर की शॉप है। तो फिर मैंने बोला बढ़िया यार, घर की शॉप है तो फिर क्या बाहर से क्यों ढूंढना। तो फिर मैंने उसको बोला, तो फिर उसने वीडियो कॉल करके मैंने वहाँ पे देखा, उसने लिया, उसने ही अनबॉक्सिंग की, मुझे अनबॉक्सिंग करने का मौका भी नहीं मिला। गाइस गलत है, होना चाहिए यार हमारे ललितपुर में भी कोई एप्पल स्टोर, वैसे अभी बन रहा है, लेकिन मैं क्या अगले साल लेती यार, ऐसा थोड़ी ना है। तो इसलिए मैंने फिर लेना बहुत जरूरी था मेरे लिए। एक्चुअली मेरे ना सब लोग ये भी इंस्टा पे भी सब लोग ये कमेंट्स करते थे, हाँ क्या कर रही हो यार, प्लीज आप आईफोन ले लो, क्या ये छोटे छोटे एंड्रॉइड फोन, ऐसा नहीं है यार। आप किसी भी मोबाइल से वीडियोस क्रिएट करो, अगर आपको आपका जो आप क्रिएट करते हो वो आपको अच्छा लगता है, सो वो अलग बात होती है। हाँ, बट वो भी है कि क्वालिटी वगैरह अच्छी होनी चाहिए। और मेरे को बहुत सारे, जैसे मैंने ये लिया और इसका स्टोरी लगाया, तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि आप किसी भी मोबाइल से वीडियो क्रिएट करो, मुझे आपकी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको मोबाइल से कुछ कोई लेना नहीं है। मेरे को इतना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच गाइस, जो भी मेरे को इतना सारा बड़ा प्यार करते हैं, सो थैंक यू। और गाइस इसका मैं आपको बताती हूँ, जो मतलब उसने ले लिया और फिर उसने पैकिंग वगैरह, और पैकिंग अगर मैं आपको, हाँ मेरे पास छोटा सा क्लिप है, जब मैं लेने गई थी तो मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हो।
पैकिंग आप देख सकते हो, मतलब उसमें इतना सारा टिश्यू पेपर, इतना सारा। और वो एक्चुअली ऐसे मतलब कोई भी ऑफिशियल डिलीवरी कोरियर नहीं था कि ऑफिशियल कोरियर हो तो कोई भी उसमें वो दिक्कत ना हो। सो उसने बोला कि मुझे मिक्सी का सामान भेजना है। सो वो मिक्सी के डब्बे में एक थैले में पैक करके, कवर करके पूरा मोबाइल और चार्जर वगैरह सब उसी में, और फिर टिश्यू पेपर कम से कम 25 से 50 इतना ही होगा पूरा लपेट के उसमें, और फिर डब्बे में मिक्सी के डब्बे में रख के। और यहाँ मतलब इतना फनी लग रहा है ना, मतलब हम लोग जब तो पहले मैं भी हम लोग मंडे को गए, उसने बोला कि मंडे को तुम जाके वहाँ पे शॉप से ले लेना, क्योंकि हम लोग के घर पे आने में एक दिन लगने वाला था, मतलब हम लोग की ललितपुर की शॉप पे आ गया था। तो फिर वो बोला कि एक दिन लगेगा, तो हम लोग फिर उस दिन फोन लगाया उसने कि तुम लोग जाके अवेलेबल वहीं से कर लो स्टोर से। तो हम लोग वहां पर गए, वहां पे पहुंचे तो वो बोलने लगा अरे अभी नहीं आया है। फिर इतना दिमाग खराब कि मतलब बता नहीं सकते हम। अभी कोई आपको ऐसे मतलब आपको इतना एक्साइटमेंट है हमको चाहिए, और वो बोले अभी आया नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा था सच्ची बताऊं कि मैं क्या आ रहा हूं, वो अंकल को देखिए अब मार दो यार, अभी तक मेरा ही क्यों नहीं मंगाया है। तो फिर हम लोग उस दिन मुंह बना के ऐसे घर पे वापस आना पड़ा। क्या करते हम लोग उस दिन इतना एक्साइटेड थे, हम लोग मोबाइल आ गया। मैं तो कुछ ज्यादा ही थी, तो उस दिन नहीं मिला। फिर हम लोग मतलब नेक्स्ट डे, उस दिन ना मैं पूरी तैयारी से गई थी, हाथ में मोबाइल वीडियो चालू बिल्कुल जाने वाली थी। वहां पे भी मैंने बिल्कुल वीडियो ओपन था मेरा, बट मोबाइल नहीं था, सबसे बड़ी दिक्कत। तो फिर हम लोगों ने उस दिन वापस आ गए। फिर नेक्स्ट डे फिर उसका फोन आया कि हाँ, तो उन्होंने बोला था कि झांसी आ गए बट आपको आने में पूरा एक दिन लगेगा, तो आप नेक्स्ट डे पक्का देख लेना। तो हम लोग नेक्स्ट डे फिर पहुंचते हैं वहां पे। सो नेक्स्ट डे गए वहां पे पहुंचे, तो हम लोगों ने मिला हम लोगों को मोबाइल, ऐसा नहीं है मिल गया था उस दिन हम लोगों को। वो बोले कि उसी दिन शाम को आ गया था, आप उसी दिन शाम को ले सकते थे। तो हम लोगों ने बोला आप कॉल नहीं कर सकते, तो कॉल करते हैं तो बोलते हैं आपका नंबर पता नहीं लग नहीं रहा था, उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो फिर मेरा भैया साथ में था, उनका ही नंबर था उस पर कोरियर पर, तो वो बोलते चल मेरे सामने ही लगा दो। तो उन्होंने उसके सामने लगाया तो लग गया, अरे पता नहीं यार ये क्या हो गया, मैं लगा था तो फिर यार ये क्या दिक्कत है, मतलब हम लोग इतने एक्साइटेड है कि हम लोग को चाहिए। और वो तो नहीं लेट होता, जो चीज आपको चाहिए होती है जितना आप उसके लिए इतना ज्यादा सोचते हैं कि आज ही मिल जाए, तो उसके लिए सब कोई लेट ही करता है। ऐसा मेरे साथ तो हर बार होता है, मैं कुछ भी चीज देखती हूँ ना उतना ही लेट होता है या फिर कुछ बिगड़ जाता है उसमें। तो फिर हम लोगों को उस टाइम पे मोबाइल मिल गया, मैं मतलब इतनी खुशी है। जब हम लोग वहां पे भैया खोल रहे थे तो पहले उन्होंने जब ऊपर का वो खोला तो उसपे निकला मिक्सी का सामान वाला डब्बा। तो सब लोग बोले मिक्सी का सामान होगा, तो भैया ने बोला नहीं हम यहीं पे बिल्कुल देख के जाएंगे कि मतलब उसमें कुछ है या नहीं, मतलब क्योंकि कोई ऑफिशियल कोरियर नहीं था तो इतना थोड़ा रहता है कि माइंड होता है कि देख लेना चाहिए। तो वहीं पे खोला तो पहले मिक्सी का डब्बा निकला, फिर उसको डब्बे को खोला तो उसके अंदर इतने सारे टिश्यू पेपर। जब मतलब एक ऐसे शॉप तो है नहीं कि मतलब बीच में है उसके आसपास बिल्कुल सुनसान है, यहाँ शॉप। अभी जो भी आते हैं तो वो पैकिंग खोले, हम लोग ऐसे ऐसे खोले, वो लोग ऐसे देख रहे हैं उन लोगों को, मतलब इतना पैकिंग करके मिक्सी का सामान कौन भेजता है। ओ भाई मतलब इतना फनी था वो मोमेंट कि मैं क्या बताऊँ। बस मैं आपको किसी का फेस नहीं दिखा भाई, वरना मैं आपको बताती। मतलब बोलो फिर लास्ट में उसमें से जब मोबाइल निकला तो सब शॉक, अरे ऐसे कौन भेजता है। फिर वो हम लोग जो शॉप पे थे ना, वो दादाजी मतलब उनके दादाजी भी बैठे हुए थे वहां पे, तो वो बोलते हैं अरे ये तो मिक्सी का सामान लिखा था, इसके अंदर मोबाइल कैसे निकला है। तो यही तो है यार जादू, मतलब ऐसे ही करना चाहिए। मतलब कोई ऑफिशियल कोरियर पता नहीं क्या हो जाए, अभी मोबाइल ऐसे नहीं छोड़ सकता मतलब कुछ। तो ऐसे हम लोगों को ये मोबाइल मिला, और मतलब मैंने मोबाइल के लिए कम से कम 10 दिन पहले बोल दिया था। तो हम लोगों को यहाँ तक बरेली से यहाँ तक आने में, ललितपुर आने में 10 दिन लगा है, 10 दिन के बाद मोबाइल मिला है। मत सोच नहीं सकते हो हम लोगों ने कितना वेट किया है इसके लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मतलब इतना ज़्यादा कि क्या। और मैं बहुत टाइम पहले से सोच रही थी, और थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट से मैंने अभी जाके ये खरीद लिया है। सो आप लोग बताना आपको कलर कैसा लग रहा है। वैसे पहले मैंने मिडनाइट ब्लैक सोचा था, बट लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गया था मूड बिल्कुल कि अब नहीं लेना, अब ब्लू चाहिए, तो फिर ब्लू मंगाया। तो आप लोग बताना, और वीडियोस एक्चुअली मैंने ये सब बिल्कुल
ये मैंने अपने इंस्टा वीडियोस के लिए लिया है क्योंकि वहाँ पे क्वालिटीज के बहुत ज़्यादा इशू हो रहे थे, तो फिर मेरे को ये लेना पड़ा। और ये मैंने सेल्फ गिफ्टेड फर्स्ट टाइम लिया है, तो और भी ज़्यादा खुशी थी, मतलब बहुत ज़्यादा वाली कि खुद से अपने लिए कुछ भी अचीव करना। मोहन जी, आज मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला है कि खुद से खुद के लिए खुद मतलब कुछ लेना इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा, इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊँ। सो गाइस, आप तो मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना, ऐसे प्यार देते रहना, और इंस्टा के साथ साथ यूट्यूब पर भी सपोर्ट करना। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा मोबाइल का पूरा स्टोरी सुन के। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं बस ये चाहती थी कि आप सबके साथ शेयर करूँ अपना बात, कि आपको भी कैसा लगता है मेरा लाइफ में, मतलब अच्छा, मतलब कुछ अच्छा लगता है यार किसी के भी साथ हो, मतलब बहुत खुशी होती है कि हाँ उसने ये अचीव किया। हम मुझे तो हमेशा होती है, और मैंने खुद ही किया है, सो आज मेरे को फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि क्या खुशी होती है। थैंक यू सो मच। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, स्टोरी नहीं है बट मेरा ये रियलिटी है। तो आपको मैंने ज़्यादा तो नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं मार्केट, और हम लोग उससे मौज करने, मतलब थोड़ा खाने पीने, क्योंकि खुशी में खुशी होती है, तो फिर हम लोग मार्केट गए वहाँ पे। आईफोन पार्टी मेरी तरफ से। ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया मैंने, मतलब लेकिन वो दिन ना, मतलब ट्यूसडे का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। और गाइस मैं को एक्चुअली, मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरे को इतना कोई अभी आइडिया नहीं है। मैंने फर्स्ट ये ओपन किया, और इसके बाद सबसे पहले इंस्टा इस पर निकाला अपना, और बस वीडियो क्रिएट किया, और मुझे कुछ भी ज़्यादा आइडिया समझ नहीं आ रहा है। मेरे को सब चेक करना पड़ेगा कैसे, मतलब एडिटिंग वगैरह तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ऐप्स वगैरह निकालने पड़ेंगे, सो वो सब अभी देखना है। बस अभी तक मैंने इसको सिर्फ अपने इंस्टा वीडियोस क्रिएट करने में यूज़ किया है, और सब मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और आप सब होना, सो मुझे कमेंट्स में कर बताना क्या क्या करना पड़ता है, क्या होता है, सो सब कुछ। और मुझे ना वीडियोस क्रिएट करने के लिए भी, और भी एडिटिंग वगैरह को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सब मुझे अभी सीखना पड़ेगा, अभी लिया है तो सीखना तो पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड थैंक्स ऐसे ही सपोर्ट करते रहना हमेशा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।